क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें उर्दू क्रिकेट क्लब चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देखें हमारे वीडियो सबसे पहले। बाजी का पाकिस्तान के डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन इमरान नजीर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान जी। नसीम भाई वालेकुम अस्सलाम। और कबीर भाई, कुमार भाई, अस्सलाम इमरान, बहुत मिलते अस्सलाम। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम ठीक हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक गॉड, बहुत बहुत खुदा का शुक्र है कि नाउ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत ओके। इमरान नजीर का फॉर्मेट आया, इमरान नजीर गायब हो गए। नसीम भाई ये असल तो इमरान का बेबी था। नसीम भाई बीइंग ए मुस्लिम में एक चीज ना, थोड़ा बिलीव जो है ना वो होना बहुत जरूरी है। देखे जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिलेगा, जो नहीं है वो देखे ना। आप खुद ही कह रहे हैं कि एक टाइम आया लेकिन शायद ये नहीं मंजूर था, लेकिन नौ अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि वो भी एक खुशी ही टाइम मैंने गुजारा है। कोई बात नहीं, किस्मत की बातें हैं। नसीम भाई इमरान जी कुछ तबीयत खराब रही थी दरमियान में आपकी, तो फिटनेस लेवल कैसा है आपका? नसीम भाई सबसे पहले तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 99% जो है ना नौ अल्हम्दुलिल्लाह ओके। और मैंने वॉक और ट्रेनिंग हल्की जो है ना वो तो मैंने शुरू कर दी है। अब लास्ट एक ट्रीटमेंट है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक जो भी जो है ना ओके। तो उसके बाद मैंने बैटिंग और क्योंकि लॉकिंग और रनिंग शनिंग जितनी भी है ना वो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक जो है ना वो मैं शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जल्दी रिकवर करेंगे। इसका मकसद है कि किट बैग अभी किसी जानने वाले को दिया नहीं है इमरान ने, अभी तक घर पे मौजूद है इमरान ने आने। नसीम भाई क्रिकेट आपको पता है मेरा पैशन है और मैं जिस जगह से आके वो कहते हैं ना क्रिकेट खेला हूँ, जिस तरह से मुझे इज्जत मिली है तो देखे ना ये अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे। बात है मेहनत की, मेहनत करना मेरा काम है, आगे मेरी किस्मत में क्या है वो तो खुदा की जात ही जानती है। तो देखे ना मेरी किस्मत है इतनी फिटनेस या इतनी ट्रेनिंग अभी करूंगा, किसी काबिल खेलने को होगा तो वो जरूर मैं खेलूंगा अगर मेरी किस्मत में हुआ तो। बाकी किट बैग आपको पता है मेरा ऑल टाइम रेडी है, बड़ा अच्छा ही 4 साल मैंने गुजार लिए। नहीं बाकी मैं यार सब आपको मिस करते हैं क्योंकि अगर फैन क्लब की बात कर लेते हैं तो 4-5 जो टॉप क्लास प्लेयर थे उसमें इमरान का जितना बड़ा फैन क्लब था, जो आपका खेलने का अंदाज था। लेकिन इस ये असल में भाई आज भी अल्लाह का शुक्र है, वो कहते हैं ये फैन की ऑन ईयर आज भी उनका बहुत बहुत दिल से सबका, आपको नहीं पता मेरे लिए बहुत दुनिया ने दुआएं की हैं और शायद उन दुआओं की वजह से आज जो भी अल्लाह ताला फिर जो है ना मुझे एक मौका और दे रहा है कि वो कहते हैं ना लोग देखना चाहते हैं यार इनकी। नसीम भाई ये प्यार लोगों का प्यार ही होता है जो एक स्टार को इतनी हिम्मत और हौसला देता है। देखे ना थैंक गॉड और दूसरा सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए इतनी दुआएं की और आज वाकई में कबूल हुई है, इसका वो तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ सबका। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं मुख्तलिफ तरीके से आप आ तो सकते हैं, जैसे सईद अजमल की बात करें तो उन्होंने कोच रखा हुआ है इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिनके वो टॉप प्लेयर थे क्योंकि इतने इफेक्टिव नहीं रहते। तो इमरान के जहन में ये चीज भी आती है कि क्योंकि आपका एक बड़ा फैन क्लब है, एक ब्रांड है, आप अगर बात करें तो किसी PSL के साथ एज ए असिस्टेंट कोच फील्डिंग आपकी जबरदस्ती, तो ये जहन में आते हैं? नसीम भाई ये बिल्कुल जहन में आता है लेकिन अगर 4 साल में वो बिल्कुल खामोश एक वो कहते ना नुक्कर में जो टाइम गुजारा ना तो इसी वजह से कि शायद कितनी को देखता हूँ जल्दी रिकवर होता हूँ। ठीक है पहले तो ये खुदा का शुक्र अदा करने का अल्लाह ताला रस्ते दी सेहत है तो सब कुछ है, मेरी तो सबकी दुआ ये है अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वो पहले दे। बाकी तो देखे ना इन चीजों का जरूर जेन में था लेकिन शायद सोचता था कि अभी टाइम नहीं है, कहता तो शायद देखे ना कितने बंदे राखी लेते लेकिन इस वजह से नहीं कहता किसी को नहीं कहा खेलूंगा। नहीं अभी देखूंगा कि कितने आप फिट हूँ कराची रख लेता। हाँ तो कहने का मकसद है कि ये तो सबका प्यार है ना लेकिन खुद ही जो है ना नहीं अभी इस तरह नहीं खेलूंगा ये वो कहते ना जैसी फिटनेस देखता हूँ कितना फिट होता हूँ कितनी को खेल सकता हूँ उस लेवल अगर नहीं खेलने का काबिल हुआ तो फिर आपकी बात वही कि किसी के सामने कह देंगे सर मैं हाजिर हूँ अगर आपको चाहिए खिदमत तो। नहीं बिल्कुल एक आपकी तरीके का प्लेयर जो तेज खेलने वाला मिला और वो भी बड़ी फैन फॉलोइंग हासिल कर रहा था शर्जील खान, लास्ट PSL के अंदर स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के बाद शर्जील खान पे बैन लगा और अब 2.5 साल की पाबंदी है, 5 साल की पाबंदी है 2.5 साल अगर वो प्रॉपर रहते हैं। कितना सदमा हुआ इमरान को क्योंकि इमरान के अंदाज से खेलने वाला बैट्समैन मिल गया था, बस यही फर्क था एक राइट हैंडर था एक लेफ्ट हैंडर।
देखिए नसीब भाई, ये सब देखो मैं जिस हालात से जैसे गुजरा हूँ ना, मैं बस एक चीज है जो मेरा आज मेरा बिलीव है ना, मैं हमेशा एक बात जरूर कहूंगा कि ये सब किस्मत की बातें हैं नसीम भाई। पहले तो देखना स्टार बनना एक बहुत बड़ी बात है, कितनी दुनिया हमारे मुल्क में क्रिकेट खेलती है और कितना कितना टैलेंट है, मतलब इस मुल्क पे वो कहते ना खुदा की इतनी देना इतना टैलेंट है कि आप अभी PSL में देख लेना, आप प्लेयर्स देख ले। तो वो कहते हैं ना, मैं अभी लास्ट एक इंटरव्यू दे रहा था PTV पे, तो वो अली मुझे ये बात कर रहा था, मैंने कहा अभी तो इतने ओपनर्स आ गए हैं, अभी ये मैंने कहा देखें अल्लाह ताला सबको इज्जत दे, ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे देखना आज तक बड़े बड़े प्लेयर आ गए, लेजेंड देखना उनके नाम लेजेंडों पे आ गए। आप तो कहते हैं ना ये जगह ऐसी है कि यहाँ सब आना जाना सबका लगा रहना चाहिए, कोई मसला नहीं। अगर मैं उस काबिल हूँ तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं भाई, एक दिन तो छोड़नी है ना, सारी जिंदगी देखना इंटरनेशनल भी नहीं खेलनी, सारी जिंदगी PSL भी नहीं खेलनी, एक टाइम है कि शायद क्लब के काबिल भी ना हो, अगर अल्लाह ताला इतनी जिंदगी देता है तो ये तो इसी तरह ही निजाम है ना। लेकिन एंड ऑफ द डे जो भी है नो डाउट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा साथा मेरी नजर में कह सकते हैं कि बदकिस्मती की नजर ही है, बाकी वो कहते ना दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला सबको अच्छा ही करना चाहिए। इमरान, अभी एक फुटेज हमने दिखाई थी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 3 के ड्राफ्ट की, के जहां पर सरफराज अहमद उमर अकमल को लेकर गए, उन्होंने मिकी आर्थर से मुलाकात कराई, आपको वो इंसिडेंट याद होगा कि जहां पर इनकी आपस में थोड़ी सी अनबन हो गई थी, तो वो फुटेज अगर आपने अभी देखी हो तो अभी हमारी प्रोडक्शन टीम चलाती हुई है, देखिएगा। तो ये PSL जो है वो खिलाड़ियों को करीब ला रही है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। नसीम भाई देखिए, सबसे पहले हमें ना ये सोचना चाहिए कि क्रिकेट बेसिकली एक जेंटलमैन गेम है, ठीक है, इसमें प्यार मोहब्बत जितना है ना, मेरा ख्याल है कि शायद कहीं और इतना ना हो। सारा दिन देखना फैमिली के दिन भी अकाउंट करें और ये दिन भी करें तो मेरे ख्याल में ये दिन ज्यादा बनते हैं इफ्तार देने। तो यहाँ देखना छोटी मोटी चीजें चलनी चाहिए, इनको ना के इशू नहीं बनाना चाहिए, और स्पेशली बड़ों के मामले में देखिए आपका कोई भी एक बड़ा है वो आपका उस्ताद गिना जा रहा है, आपका कोच गिना जा रहा है, तो मेरे ख्याल में उनकी बातों का ना गुस्सा नहीं, उनको उनसे सबक लेना चाहिए। तो ये हमारे शायद आजकल के यंगस्टरों में शायद ये थोड़ी कमी है, ये आपको भी बात माननी पड़ेगी। लेकिन एंड ऑफ द डे बड़ों की और साथ की जो रिस्पेक्ट करता है, मेरे ख्याल में इतने बड़े शो सब नहीं होते हमेशा, जो है ना बड़ी बातों को कहना बीइंग मतलब हम लोग ये एक बार जरूर करते हैं कि यार जो दिल से पहले माफ करता अल्लाह ताला उसको और इज्जत है। तो कहने का मकसद ये चीजें फिर अपनानी भी चाहिए ना, तो कहने का मकसद है कि ये प्यार मोहब्बत वाली गेम है, इसमें देखे ना आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं, अगर आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं तो मुल्क की इज्जत पहले, बाकी देखे ना ये छोटी मोटी है वो कहते ना एक फैमिली है ना, एक फैमिली का एक बड़ा है लिखिया सर, तो सर उसमें अगर मैं मुझे नहीं पता क्या बात है नंबर वन, लेकिन अगर कुछ ऐसी बात नंबर हो भी तो कोई बात नहीं यार, बड़े हैं ऑन द स्पॉट आप बिल्कुल अच्छे के लिए कहा होगा, अदरवाइज मेरे ख्याल कोई भी किसी को वो कहते हैं ना बुरा भला क्यों बोलेगा बिला वजह। बिल्कुल ठीक है इमरान नजीर, आपने हमें बहुत खुश किया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, और शहजाद भाई वैसे बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने भी जारी बारिश की दुआएं की है। नहीं यार अल्लाह करे फिट हो भाई, तुम्हारा तो फॉर्मेट है, तुम्हें लोग देखते हैं, आई होप कि इंशाल्लाह तुम जल्दी फिट हो और आगे खेलो। नहीं हो गया फिट, फिट हो गया, इंशाल्लाह तो फिर हम देख रहे हैं अभी अगले नेशनल T20 टूर्नामेंट में जरूर आपको देखना चाहेंगे, क्योंकि ये नेशनल T20 टूर्नामेंट तो क्राउड को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा, इमरान नजीर आ जाएगा तो शायद कुछ नहीं, ये देखना नहीं बिल्कुल क्राउड इंशाल्लाह डेफिनेटली उनकी दुआएं, और मैं बहुत ही बहुत मेहनत करूंगा और कम से कम इतनी फिटनेस लेवल आए कि PSL जो है ना इंशाल्लाह 100% खेलूं इंशाल्लाह, दुआएं इंशाल्लाह।